वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल देवा शेव्स में। सो कल के वीडियो में आपने देखा कि एक मिस्ट्री बॉक्स जिसको मैंने अनबॉक्स किया और उसमें चार प्रोडक्ट्स जो पिंक वुल्फ के प्रोप्राइटर हैं श्री सुबोध शर्मा जी, उन्होंने मेरे को एज अ गिफ्ट भेजे, जिसमें एक प्री शेव ऑयल, एक फेस वॉश और दो सिंथेटिक ब्रश थे। तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को आज मैं आपको यूज करके उसका डेमो दिखाऊंगा और अपने यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसके अलावा जो नई पिंक वुल्फ की ऊद एंड सैंडलवुड, जो नया वर्जन इसका अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसको मैं आपको उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। तो भैया मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से अब आपको उन प्रोडक्ट्स के रूबरू दर्शन कराता हूँ। सो पिंक वुल्फ, सो दिस इज द ब्यूटिफुल बॉक्स, शेव क्रीम, ऊद एंड सैंडलवुड। सो कहीं ना कहीं इस तरह के बॉक्स को हाथ में लेके एक प्रीमियम फील आती है डेफिनेटली। तो इनके लिंक्स मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। सो इस कार्ड बॉक्स को रखता हूं मैं साइड में और पिंक वुल्फ इज सिग्नेचर सेल्फ केयर फॉर मेन, इस क्रीम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज दैट, यू नो, पिंक वुल्फ ऊद एंड सैंडलवुड शेविंग क्रीम, लग्जरी कुशन अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग शेविंग क्रीम। सो नो डाउट अबाउट दैट, इसका पहला वर्जन भी मेरे पास अवेलेबल है एंड इट इज स्टिल अमंग ऑल द इंडियन शेविंग क्रीम्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो देखें, सो इस तरह का आप देख सकते हो। तो थोड़ी सी क्रीम अंदर में, ख्याल में कुछ एयर पॉकेट्स बने होंगी तो नीचे दब गई, और थोड़ी सी मैंने यूज भी की थी। जैसे ही मेरे को ये मिली, मैंने इसका एक ट्रायल एरर लेदर बना के किया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर आज मैं पहली बार इसको रेजर के साथ यूज करूंगा। लाजवाब खुशबू। बट हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा, जिस तरह की स्मेल जो ऊद एंड सैंडलवुड जो इनका शेविंग सोप है, उससे एक या दो लेवल मैं कहूंगा नीचे है। एक सटल मध्यम सी स्मेल है, मगर मोहित करती है और जिस तरह की लग्जरी फीलिंग आपको चाहिए वो आती है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है फ्रेग्रेंस के नोट्स को एनहांस नहीं करते, वो हल्के लाइट सटल होते हैं। सो ये शेविंग क्रीम और क्रीमिश टेक्सचर इसका, और ये इस प्लास्टिक टब में इस तरह से आती है, क्लियर। इसके अलावा आज मैं इस नए ब्रश को यूज करूंगा पहली बार। इट्स अ सिंथेटिक ब्रश पिंक वुल्फ का, ये रेजिन हैंडल है एंड इसका नाम ही दिया है मॉन्स्टर ब्रश। इट्स अ ब्लू हैंडल, ब्यूटीफुल हैंडल। यहाँ पे पिंक वुल्फ का जो है कंपनी का नाम और ये इसका सिंबल। इसको इंग्रेव तो नहीं करूंगा, इट इज नॉट इंग्रेव्ड। और ये जो है इसके सिंथेटिक अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स और इसकी जो नॉट साइज है दैट इज 28 mm। तो आज मैं पहली बार इसे फेस लादरिंग करूंगा और भविष्य में मैं इसे बोल लादरिंग भी करूंगा, एंड आई एक्सपेक्टिंग ये बोथ विल बी एक्सट्रीमली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। तो इसको एज यूजुअल मैं हल्के से, बहुत ही हल्के से ल्यूक फॉर्म वाटर में ऐसा डिप कर देता हूँ। ओके फाइन, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग पिंक वुल्फ क्लोज कॉम्ब रेजर। ये 3-3.5 साल पहले मैंने लिया था और मेरे को काफी अच्छा लगता है रेजर, और आज मैं इसके साथ मैच करूंगा, पेयर करूंगा ग्लैड्स का ब्लेड, जिसका आज मैं पहला इस्तेमाल करूंगा। तो जल्दी से मैं लोड करता हूं। तो मैंने लोड कर लिया है, सो यू कैन सी द ब्लेड अलाइनमेंट और हल्का सा ओवरहैंग आपको दिख रहा होगा। सो नॉर्मली जो इस तरह की फीलिंग ये है, ये मीडियम एग्रेसिव से हल्का एक लेवल नीचे का रेजर है और मेरे को काफ़ी पसंद आता है ये, स्पेशली जब दाढ़ी 2-3 दिन पुरानी है, और आज मेरी दाढ़ी जो है एग्जैक्टली 2 दिन पुरानी है, क्लियर। फेस वॉश मैंने कर लिया है और इसके लिए मैंने आज इस्तेमाल किया है पिंक वुल्फ का ही सैफ्रन एंड गोट मिल्क। नो, एक चीज़ मैं मेरे सभी
दोस्तों और भाइयों, ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है। इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइट, थोड़ा सा महंगी ज़रूर है, मगर इस तरह का जो फेस वॉश है वो अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसमें क्ले भी यूज़ की गई है और जो फीलिंग आती है, जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आता है, और एक अलग लेवल पे आपको ले जाता है। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स टोटली केमिकल फ्री। सो बहुत ही शानदार जो है ये फेस वॉश है, और इसमें जो है इसको सैफ्रन गोट मिल्क इसका नाम है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए डिटेल आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप खुद ही इसको सर्च कर लीजिएगा इसके इंग्रेडिएंट। लेट्स स्टार्ट द सेव। तो आज मैं डायरेक्ट फेस लाउजिंग करूंगा, और इसीलिए मैं आज अवॉइड कर रहा हूं किसी भी तरह का जो है प्री शेव क्रीम या प्री शेव ऑयल। सो लेट्स अप्लाई दिस चलिए एक थिक नॉट है इसकी, तो आई एम स्क्वीजिंग आउट ऑल द वॉटर। लेट्स क्रिएट द लादर। आई कैन फील द स्पाइन ऑल्सो। तो आप देख रहे हैं इसने आते ही काम शुरू कर दिया अपना, क्रीम ने भी और ब्रश ने भी। सो इट्स अ सॉफ्ट प्रिसल बट इट हैज अ बिट ऑफ स्पाइन, इसलिए थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। और इसका स्प्रे भी बहुत अच्छा है, आप देखिए इट हैज फंटास्टिक स्प्रे, वाइड स्प्रे। तो भारतीय जो शेविंग क्रीम्स की तुलना में अगर मैं इस क्रीम की तुलना करूं, इसको कंपेयर करूं, तो एक ब्रिसल का लॉस, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो मैं कह रहा था अगर इसको और शेविंग क्रीम से मैं तुलना करूं तो ये एक अलग लेवल का एहसास देती है, नो डाउट अबाउट इट। इतना ही बोन लादरिंग कर लो, जो मजा फेस लादरिंग में है। ऐसा मजा कहीं नहीं है। बट हाँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको स्क्रबी मोशंस पसंद नहीं है, वो स्क्रबी फीलिंग नहीं पसंद है, आई थिंक दे शुड ऑलवेज स्टिक फॉर बोन लादरिंग। तो पिंक फोल्स इस कंपनी की एक खास बात मैंने देखी है कि ये बहुत ही धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बट उसके पीछे पूरी रिसर्च पहले करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसके बाद ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। इनके नैनो प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, आप रेजर भी देखेंगे कि दो ही है, एक ओपन कॉम और क्लोज कॉम, बट जो भी है उसमें क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। कुछ कस्टमर्स को, कुछ बायर्स को इनके प्रोडक्ट से थोड़ा सा लव एंड रिलेशनशिप ही रहा है, बट फॉर मी पर्सनली इट्स ऑलवेज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस यूजिंग ऑल देयर प्रोडक्ट्स। सो
सो नाउ आई कैन फील दैट हल्का सा कूलिंग एहसास, बहुत हल्का सा, और एक अच्छी सी ऊद सैंडलवुड की जो स्मेल है इनकी, क्लासिक जैसे हेलोड मैं कहना चाहूँगा, स्मेल जो है वो अब मेरे को आ रही है। मगर हाँ, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी सोप में मैं बार बार कहूँगा। So now the lather is thick, pasty, not yogurty but pasty. So ready to glide the razor now. Sideburns clear kar lo pehle. तो चलिए पिंक वुल्फ का क्लोज कॉम रेजर लोडेड विद ग्लैड्स प्लेट, और आज इस प्लेट का पहला इस्तेमाल होगा। सो एज यूजुअल कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट पास विद द ग्रेन। So glide is definitely effortless and I can definitely feel the slickness. तो आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गया एक महीने से। तो सही बताऊं दोस्तों, बीच में मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी ड्राइव खत्म हो गई। आई लॉस्ट दैट ज़ील। बट जब भी मैं शेव करता था तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी आत्मा कहती थी, यार यू शुड स्टिक टू इट, यार डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, डोंट वरी अबाउट द सब्सक्राइबर नंबर्स, लाइक डिसलाइक ये सब कुछ मत करो, तुम अपना काम करते रहो और मजा आता है तो बनाओ वीडियो। सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन बैक विद द बैंक। बहुत ही शानदार, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो दो पास में डेफिनेटली काम हो जाएगा। हल्की हल्की जो कूलनेस है वो अच्छी लग रही है। सेकेंड पास अक्रॉस द ग्रेन।
ग्लैड स्प्लिट जो है मेरे को बहुत पसंद है, कई सारे रेजर्स के साथ ये अच्छा पेयर करता है। और एक एफिशिएंट शेव निकाल के देता है। मैं ज़्यादातर इसको दो बार यूज़ करता हूँ, मगर एवरी टाइम इट गिव्स फुल सेटिस्फैक्शन, नो डाउट अबाउट इट। और शार्पनेस और स्मूथनेस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस ब्लेड में। सफाचट मैदान कंप्लीटली क्लीन शेव। और आपको क्या चाहिए? सो लेट मी वॉश माई फेस। पूरी तरह से कंप्लीटली स्मूथ शेव, ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट। चलिए, आज मैं कोई एलम नहीं लगाऊंगा, ना ही कोई मैं आफ्टर शेव लोशन लगाऊंगा। आज मैं आफ्टर शेव लोशन मतलब एल्कोहलिक। आज मैं पिंक वुल्फ का ही एक सैंपल पैक मेरे पास भेजा गया था बहुत पहले, तो ये भी जो है आफ्टर शेव लोशन है और ऊद एंड सैंडलवुड। तो आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। आज पूरी की पूरी जो शेव है वो डेडिकेटेड है पिंक वुल्फ को। सो दिस मच इज इनफ। जब भी मैं पिंक वुल्फ की ऊद एंड सैंडलवुड वाले प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, स्पेशली बाद में आफ्टर शेव जेल या फिर इनके लोशन या बाम लगाता हूँ और फिर नीचे जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठता हूँ, तो बच्चे और वाइफ का एक ही कमेंट होता है कि आज आपने वो वाली फ्रेग्रेंस यूज़ किया ना बाबा। और सच बताऊँ एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। अब ये क्यों होता है आई डोंट नो, तो एक अलग लेवल पे, एक अलग जोन पे पहुँचते हैं हम। सो थैंक्स अ लॉट सुबोध जी इतने अच्छे और वंडरफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मैं केवल आपको खुश करने के लिए, कम्युनिटी, अपनी शेविंग कम्युनिटी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वाकई में हर बार मेरा एक्सपीरियंस होता है। बट एज आई ऑलरेडी नो दैट एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, हर तरह की क्रीम और जो चीज़ शायद मेरे को पसंद आ रहे हैं वो आपको ना भी आए, बट स्टिल आई एम गोइंग टू से दैट वाओ प्रोडक्ट्स हैं पिंक वुल्फ के। सो दोस्तों, लगता है तो आशा करता हूँ कि आज आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन गिफ्ट दीज प्रोडक्ट्स। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पिंक वुल्फ वालों का फ़ायदा हो और वो मेरे को कोई बेनिफिट देंगे, बट दे आर वर्थ। सो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये आप भी जानते हैं अगर आपने यूज़ किए होंगे। तो आफ्टर दिस वंडरफुल शेव लेट मी से बाय बाय, और खुश रहिए, वेट शेविंग कम्युनिटी को बढ़ाते रहिए में अपना नाम कीजिए, अपने बॉस के ऊपर वर्कआउट करते रहिए, और अपने पेरेंट्स का वो मैं जरूर बोलूंगा अपना बहुत 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 विशेष ध्यान रखिए। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद जल्दी एक नए सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।